तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आज की इस नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अभी सुबह के 7 बजे हुए हैं और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये नर्मदा मंदिर है जिसके हम लोगों ने सामने ही रूम लिया हुआ था। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को अपना रूम दिखाता हूँ। ये रूम जो है मैंने 600 रुपीज़ में लिया हुआ था रात भर के लिए। काफ़ी अच्छा स्पेस था, हम लोग 5 लोग इस बेड में आ गए थे आराम से। तो आप भी अगर आते हैं तो यहाँ पर रूम ले सकते हैं। तो आप भी अगर अमरकंटक आते हैं और यहाँ पर रूम लेना चाहते हैं, तो मैं इस जो लोकेशन है इस रूम की होटल की, तो मैं वहाँ की लिंक आपको दे दूँगा, तो आप वहाँ पर जाकर और रूम ले सकते हैं आराम से। वहाँ पर रूम अवेलेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों, सुबह के अभी 7 बजे हुए हैं और हम लोग घूमने के लिए निकल गए हैं। सबसे पहली प्लेस जो हम लोग घूमने जाएंगे उसका नाम है दूधधारा, क्योंकि हम लोग जाकर और अभी हम लोगों ने नहाया नहीं है, तो हम लोगों ने सोचा है कि हम डायरेक्ट दूधधारा में जाकर नहाएंगे, उसके बाद नर्मदा टेम्पल जाएंगे। तो दोस्तों, अमरकंटक जो प्लेस है वो बहुत ही सुंदर प्लेस है। आप जब भी यहाँ आएंगे तो आप खुद ही देखेंगे, और काफ़ी ज़्यादा आजू बाजू ग्रीनरी भी है, और जो यहाँ पर टेंपल बने हुए हैं वो भी बहुत ही सुंदर डिज़ाइन से यहाँ पर बनाए हुए हैं। कई जगह साउथ टाइप के टेंपल बने हुए हैं, जैसे वो ऊंचे ऊंचे बनते थे। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये साउथ वाली डिज़ाइन पर ही बना हुआ टेंपल है। आप देख सकते कितना अच्छा टेंपल बनाया हुआ है, और बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर आश्रम है। आप जब भी, गुरुद्वारा भी है, आप आते हैं तो काफ़ी अच्छी प्लेस है। तो दोस्तों, दूधधारा का जो यहाँ से डिस्टेंस है नर्मदा टेंपल से, वो 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो आप अगर आते हैं और अगर बाय बस आते हैं या ट्रेन से आते हैं, तो आप यहाँ से ऑटो करके ही जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, कल रात में जब हम अमरकंटक आए हुए थे तो हम इसी रास्ते के थ्रू आए हुए थे। ये जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं, हम लोग कल यहीं से अंदर आए थे अमरकंटक के लिए, और ये जो सीधा रास्ता गया है ये दूधधारा के लिए गया हुआ है। तो हम लोग सीधा ही रास्ते से जाएंगे, दूधधारा जाना है क्योंकि हम लोगों को। रोड के आजू बाजू काफ़ी घना जंगल लगा हुआ है दूधधारा जाते टाइम, और अमरकंटक जो है वो वैसे भी चारों साइड से जो है पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ आपको कुछ अलग ही पेड़ देखने को मिलते हैं जो नॉर्मली हमारे जबलपुर या अदर एरिया साइड नहीं मिलते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ पौधे हैं जो मैंने जम्मू साइड देखे हुए हैं, वो पौधे यहाँ पर भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों, हम लोग ऑलमोस्ट दूधधारा पहुंच ही गए हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे टिकट कटती है। अगर आप कार के थ्रू आते हैं और बाय बस आते हैं, तो यहाँ पर जो कार का चार्ज लगता है वो 100 रुपीज़ लगता है, और जो बस का चार्ज लगता है वो 200 रुपीज़ लगता है। लेकिन टू व्हीलर का यहाँ किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है। और अगर आप 4 व्हीलर के थ्रू या बस के थ्रू आते हैं, तो आपको बाहर ही अपनी कार और बस को पार्क करना पड़ेगा, और 2 व्हीलर के थ्रू आते हैं तो आप अंदर तक बाइक के थ्रू आ सकते हैं आराम से। ये जो आप बाजू से नदी बहती हुई देख रहे हैं, ये नर्मदा जी बह रही हैं, और यही जाके आगे दूधधारा जो वाटरफॉल है वो बनाती हैं। अभी तो काफ़ी बरसात भी है, फिर भी अभी इस बार इतनी बारिश नहीं हुई है, तो अभी इतना जो पानी है मुझे लग नहीं रहा है कि इतना ज़्यादा अभी पानी होगा या इतना तेज़ वाटरफॉल चल रहा होगा। चलिए और अपन चल के देखते हैं कि हाँ अभी कितना वाटरफॉल और कितनी स्पीड से चल रहा है। तो दोस्तों, आप जब भी यहाँ पर घूमने आते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पर जो बंदर है इनसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये आपका कभी भी सामान छीन सकते हैं, और दूसरी बात ये हो सकता है आपका सामान छीनने के लिए आपकी तरफ झपट भी जाएं। पिछली बार मेरे साथ यही हुआ था कि एक बंदर ने मुझे नोच दिया था, तो फिर मुझे इंजेक्शन भी लगाने पड़ गए थे, इसलिए थोड़ा सा इनसे जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा बनाए रखें। दोस्तों, हम लोग जो है वो कपिलधारा पहुंच गए हैं। इसके आगे यहाँ से 0.5 किलोमीटर के ट्रैक करने पर आपको दूधधारा मिलेगा, तो हम लोग वहाँ पर भी चलेंगे। जो नर्मदा माता का सबसे पहला वाटरफॉल पड़ता है वो कपिलधारा वाटरफॉल ही होता है, और जो सेकेंड रहता है वो दूधधारा रहता है। ये जो आप सामने वाटरफॉल देख रहे हैं ये कपिलधारा वाटरफॉल है, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर नज़ारा लगता है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लगता है। और फिर ये सामने जो पहाड़ देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इन्हीं पहाड़ों के थ्रू फिर नर्मदा माता आगे की ओर बढ़ जाती हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपनी यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होगी जो कि ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर की पड़ेगी। 1 किलोमीटर जैसे जाना होगा और 1 किलोमीटर जैसे आना होगा, और ये पहाड़ों के कच्चे रास्ते के थ्रू ही जाना होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप ये जो लोहे का ब्रिज देख रहे हैं, ये नर्मदा माई के ऊपर ही बना हुआ एक लोहे का ब्रिज है जो कि काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और दोस्तों, एक बात और याद रखना कि जब भी आप यहाँ पर आते हैं तो एक पानी की बोतल ज़रूर साथ में लेकर आएँ। और अगर आप कुछ खा के नहीं आए हैं, तो आप अगर ये सोचते हैं कि यहाँ पे आपको बीच में कुछ खाने को मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए आप अगर खाकर नहीं आए हैं तो कुछ खाने के लिए लेकर आएँ या पहले से ही खाकर आएँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस राइड का 3rd वीडियो है। मैंने इसके पहले 2 वीडियो और अपलोड किए हुए हैं, जिसमें पहली वीडियो में मैं आया था सिहोरा से डायरेक्ट कुंडम डैम तक, और कुंडम जो 2nd वीडियो है उसमें हम लोग कुंडम डैम से अमरकंटक तक आए। और ये इस राइड का 3rd वीडियो है जहां मैं आपको पूरा अमरकंटक घुमाऊंगा। अमरकंटक में जो हम लोग प्लेस घूमेंगे उसमें हम कपिल धारा जाएंगे, उसके बाद दूध धारा जाएंगे, दूध धारा के बाद हम लोग नर्मदा टेम्पल जाएंगे, और जो 4th प्लेस है उसमें हम लोग सोन नदी का जहाँ से उद्गम हुआ है हम लोग वो वाली जगह जाएंगे, और 5th प्लेस जो हम लोग जाएंगे वो है जैन टेम्पल। और जैन टेम्पल को घूमने के बाद हम लोग सिहोरा के लिए वापस से निकल जाएंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने वो वाले वीडियो मेरे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाके वो वाले वीडियो भी देख लीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, ये जो 40-50 सीढ़ियाँ हैं इनको उतरकर आप नीचे खाई साइड में ही आ जाते हैं, जो कपिल धारा और दूध धारा जाने का जो रास्ता है, दोनों का जाने का रास्ता सेम ही है और आगे से ही डिवाइड होता है। और जैसे ही आप नीचे सीढ़ियों से उतर जाएंगे तो आप अगर लेफ़्ट साइड जाएंगे तो आप कपिल धारा पहुँच जाएंगे, और आप अगर राइट साइड जाएंगे तो आप दूध धारा साइड पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे दूध धारा, उसके बाद हम लोग जाएंगे कपिल धारा घूमने। ये जो ट्रैकिंग वाला रास्ता है दूध धारा तक जाने का, उसमें हम नर्मदा नदी जस्ट हम लोगों के बाजू से ही चलती रहती है, उसी के बाजू में ही ये कच्चा रास्ता है जाने का दूध धारा तक। वैसे दोस्तों, दूध धारा को हम लोग इसलिए भी दूध धारा बोलते हैं क्योंकि जब दूध धारा से जो पानी गिरता है, जो छोटा सा वाटरफॉल है 8-10 फुट करीब का, तो उससे जो पानी गिरता है तो वो दूध के समान लगता है देखने में, पूरा सफ़ेद ही लगता है, बहुत ही प्यारा 9-10 फुट करीब का जो झरना है, काफ़ी अच्छा लगता है उसको देखने में। दोस्तों, ये जो सामने आप बंदर देख रहे हैं ना, ये बहुत देर से हम लोगों के पीछे पीछे चल रहा है, और काफ़ी इसने फ़ोटो भी लेने नहीं दे रहा था। हम लोग जब कपिल धारा वाटरफॉल में ऊपर साइड से देख रहे थे तो ये वहाँ पर भी आ गया और बैग छीनने की कोशिश कर रहा था, और उसके बाद अभी हम लोग नीचे आ गए तो ये हम लोग के पीछे पीछे भी आ गया, यानी बहुत देर से ही ये हम लोगों का पीछा कर रहा है। ये जो आप छोटा सा घर टाइप का देख रहे हैं, यहीं पर जड़ी बूटियां भी मिलती हैं जो यहाँ अमरकंटक के स्पेशली जंगलों में पाई जाती हैं और अदरवाइज़ कहीं नहीं मिलती हैं। तो आप अगर वो जड़ी बूटियाँ भी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। वैसे दोस्तों, जब आप लोग यहाँ पर ट्रैकिंग करने आएंगे ना तो एक अलग ही मज़ा आएगा आपको यहाँ पर ट्रैकिंग करने का। भाई, ये सारी वीडियो YouTube पर डली गई है, इसलिए हरकतें मत करना। सिंपल नहीं, एडिट करके डाली मतलब गाने वगैरह। गाने आने नहीं, हाँ तो वॉइस के साथ अपन अपन जो बोल रहे हैं जो बोलेंगे वो भी आएगा क्या? वो भी कर सकता हूँ। हर नर्मदे बोलो नर्मदा मैया की जय। दोस्तों, आप ये जो सामने झंडे लगे हुए देख रहे हैं ना, यहीं पर है दूध धारा। देखते ही देखते हम लोग दूध धारा भी पहुंच गए हैं, और ये जो झंडे लगे हुए हैं इसके बाहर ही आप लोगों को अपने शूज़ जो हैं पहन कर आए हैं उसको बाहर ही उतारना है, और फिर नीचे की ओर सीढ़ी गई हुई है, आपको उनके थ्रू नीचे की ओर चलना है। और यहाँ एक छोटी सी गुफा भी है, आप देख सकते हैं। और ये जो है सामने ही क्या कहते हैं, आपको दूध धारा मिल जाएगा जैसे ही आप नीचे उतरेंगे। ये देखिए दोस्तों, ऐसा फील होता है दूर से देखने पर जैसे दूध के समान बिल्कुल सफ़ेद पानी, साफ़ पानी रहता है, और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। ज़्यादा बड़ा वाटरफॉल तो नहीं है लेकिन फिर भी वह देखने में बहुत ही अच्छा लगता है।
तो दोस्तों इसके बाद लास्ट ही रहता है दूधधारा में घूमने के लिए, और इसके आगे कुछ भी नहीं है। थोड़ी बहुत यहाँ पे टीन के शीट लगी हुई हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे देखने लायक। तो इसके बाद हम लोग फिर वापस से कपिलधारा की ओर निकल गए, क्योंकि टाइम हो रहा है, हम लोगों को वापस भी निकलना है। और कपिलधारा में ये जो सीढ़ी वाला जगह है, हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं, और आप उसके लेफ्ट साइड से चले जाएंगे तो आपको कपिलधारा मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको कपिलधारा भी दिखाता हूँ दोस्तों जल्दी से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कपिलधारा घूमने आए हैं, तो कपिलधारा के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जो कपिलधारा वाटरफॉल है, ये नर्मदा नदी का सबसे पहला वाटरफॉल है। और जो सेकेंड बात इसकी ये है कि ये जो वाटरफॉल है, ये 12 महीने चलता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बरसात के टाइम पे चलता है, जब भी आप आएंगे तो ये वाटरफॉल हमेशा आपको चलता ही मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे पहाड़ और ग्रीनरी की वजह से यहाँ पर इतनी गर्मी भी नहीं पड़ती है। आप जब भी आएंगे तो आपको यहाँ पे ठंडा ही फील होगा माहौल जो यहाँ का रहता है, और काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी भी रहती है। काफ़ी अच्छा अच्छी जगह है ये घूमने के लिए। तो दोस्तों आपको जब भी यहाँ पर टाइम मिलता है तो आप यहाँ पर घूमने आएँ और वाटरफॉल के मज़े लें। और चलिए इस वीडियो को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। कुछ वाटरफॉल के शॉर्ट्स वीडियो लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लगता है ये वाटरफॉल देखने में।